रोडीज राइजिंग में फिर से करण कुंद्रा ने ढाया अपना कहर। करण ने कंटेस्टेंट को धक्के मार के निकाला। दिल्ली के ऑडिशन में आए कंटेस्टेंट्स लाखों की भीड़ में काफी लोगों ने किया जजेस को और गैंग लीडर्स को इम्प्रेस। पहले आई रचिता जो कि एकदम बिंदास एटीट्यूड से सभी को इम्प्रेस कर बैठी। तब करण कुंद्रा ने रचिता से पूछा कि क्या तुम सेक्सुअली हरेस्ट हुई हो। तब उसने कहा हाँ, और वो भी उसके मामा ने सेक्सुअली अब्यूज किया। रणविजय ने ये भी शेयर किया कि रचिता की मॉम एनजीओ चलाती हैं और उन्होंने भी अपनी बेटी के लिए फाइट नहीं किया। वेल, रचिता के बोल्ड अवतार और केयर फ्री एटीट्यूड को देखकर सभी गैंग लीडर्स ने उसे सिलेक्ट किया, लेकिन रचिता ने प्रिंस के गैंग को ज्वाइन करने का फैसला किया। फिर आए राहुल। ये एक बस कंडक्टर हैं जो कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, बट रोडीज में टास्क को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। ये जानकर करण ने कहा कि अगर मैं तेरी बहन को थप्पड़ मारूंगा टास्क के लिए, तू करने देगा? उसने बोला हाँ, लेकिन अगर ये बाहर किया होता तो मैं तुम्हारा हाथ उखाड़ देता। ये सुनकर करण उठे और भिड़ गए राहुल से। करण ने राहुल को बाहर निकाल दिया। तभी प्रिंस भी आए और फिर उसे अंदर लाया गया। राहुल को समझाया कि सब कुछ टास्क नहीं होता, सोच समझ के बोला कर। वेल, ये सब होने के बाद अपने एटीट्यूड और अपनी फिटनेस से जीत लिया करण कुंद्रा को और उन्होंने ही अपने गैंग में शामिल किया राहुल को। गुरप्रीत कौर एक ऐसे कंटेस्टेंट थी जिसने अपने फनी बिहेवियर से और क्वर्कीनेस से सभी को हंसा दिया और नेहा धूपिया को अपने घुटनों पे ला दिया। गुरप्रीत चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी कि उन्हें नेहा मैम की गैंग में आना है और नेहा मना करती रही, लेकिन आखिर में वो नेहा की गैंग में शामिल हो गई। वेल, ये एपिसोड भी रहा इंटरेस्टिंग मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट, और कहना पड़ेगा कि दिल्ली ने जीत लिया रोडीज के गैंग लीडर्स का दिल।